वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार। पीएम किसान सम्मान निधि का जो है 17वां इंस्टॉलमेंट सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है, यानी यहाँ पर जो है सिग्नेचर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है गवर्नमेंट की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ले जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 9.3 करोड़ फार्मर की जो है इस योजना का जो है लाभ मिलने वाला है, जिसमें यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया जा चुका है। यहाँ पर मोदी जी के द्वारा सिग्नेचर हो चुका है। और ये पैसा आपके अकाउंट में कब तक आएगा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं जैसे पेज को आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे होंगे, यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन इनका मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है, देख सकते हैं सभी यहाँ पर एक एक करके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो यहाँ पर आपको स्टेटस में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो किस तरह से चेक करना, मैं आपको वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि का जो है 17वीं किस्त का जो है हस्तांतरण हो चुका है। यह आपके खाते में जो जल्द ही पैसा ट्रांसफर होने वाला है। तो किस डेट को ट्रांसफर होगा, तो आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएगा। जैसे ही आपके खाते में पैसा ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा, मैं वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका जो है अपना स्टेटस चेक कर लीजिए आपके खाते में पैसा आया या नहीं। तो किस तरह से हमें अपने स्टेटस को चेक करना है, तो इसके लिए हमें पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। गूगल पे आपको सर्च कर देना है pmkisan.gov.in। आप जैसे ही सर्च करेंगे आप इस पोर्टल पर इस तरह से ओपन हो जाएंगे और यहाँ से हमें पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको कई और जानकारी देखने की मिल जाती है, लेकिन हम यहाँ पर आपको सिर्फ इसमें जो है अपने स्टेटस को किस तरह से ट्रैक करना है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर जो है नव योर स्टेटस की ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप आरू की ऑप्शन भी यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पर आपके नेट के स्पीड पर निर्भर करेगा, आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लेना है। फिलहाल ये जो है अभी यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, या पीएम प्रधानमंत्री की जो सिग्नेचर कर दिया जो पोर्टल में अपडेट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है नेटवर्क में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर हमें नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है तो हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ योर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने फिर इसी तरह का एक स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और जो है आधार नंबर से निकाल पाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने जो मोबाइल नंबर से केवाईसी किए थे उसी नंबर से आप जो है अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर, नहीं तो आपको आधार नंबर डालना है और आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उस पर ओटीपी आएगी, कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे और निकल जाएगा। तो किस तरह से निकालना है, यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपने मोबाइल नंबर केवाईसी के समय दिए थे वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। डाल देने के बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, जो स्मॉल में है और जो कैपिटल में है आपको वही यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पर यहाँ सभी डिटेल्स को यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं, देख सकते हैं मोबाइल नंबर एंड कैप्चा कोड हम यहाँ पर फिलअप कर चुके हैं। अब गेट मोबाइल के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। अब आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर ओटीपी जाएगी, या आपको उनसे कॉन्टेक्ट में रहना है जिस जो नंबर आपने यहाँ पर दिए हैं उस नंबर पर जो है एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो ओटीपी आ चुकी है, ओटीपी हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो 32 96 और यहाँ पर हमें गेट डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आपकी जो भी डिटेल्स है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएगा, ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए जैसे मैं अपलोड करूंगा मिलता रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा मिल चुका है, आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है या नोट डाउन कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ से हमने जैसे इसको कॉपी कर देंगे और यहाँ से हमें बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद फिर हमें नाउ योर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर हमें फिर से क्लिक करना होगा, क्योंकि हमें जो है अभी तक हम यहाँ पर सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाले हैं और यहाँ पर हमें स्टेटस चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ी है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम निकाल लिए हैं और यहाँ पर हमें नाउ योर रजिस्ट्रेशन की आरू की ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने जो कॉपी किया था यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है या टाइप कर देना है, और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर आप फिर से आपको देख लेना है जो स्मॉल में है और जो कैपिटल में है आपको यहाँ पर उसी हिसाब से आपको फिलअप कर देना है, और यहाँ पर हमें गेट ओटीपी के ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना। फिर आपके जो है मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, जैसे आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ओटीपी आपके नंबर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपको वेट कर लेना है, ओटीपी अगर आई है तो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा देर यहाँ पर आपको वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम वेट कर ले हैं, तो ओटीपी देख सकते हैं सक्सेसफुल ट्रांसफर कर दिया गया है। ओटीपी यहाँ पर हमें डाल देना है, ओटीपी डाल देने के बाद हमें गेट डाटा के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट डाटा की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना है, जैसे आपकी नेट की स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका जो है नेट काफी हाई चल रहा है तो आपके यहाँ पर फटाफट आपकी जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा नेट थोड़ा स्लो है यहाँ पर जो है, तो इस तरह से आपके सामने जो है आपका जो है देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने की मिल जाएगी। पेज को हम फिर से यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने किस डेट को रजिस्ट्रेशन किया था, आपका नेम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं विलेज आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो है मोबाइल नंबर आ जाएगा। कुछ भी आप यहाँ से अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं इलिजिबिलिटी स्टेटस आपको चेक कर लेना है। इलिजिबिलिटी स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी लैंड सीडिंग यस होना चाहिए, केवाईसी स्टेटस यस होना चाहिए, आधार बैंक स्टेटस जो है आपका यहाँ पर यस होना चाहिए,
और आपने केवाईसी कब किए थे, आपके यहाँ पर केवाईसी देखने के लिए मिल जाएगी। आपको यहाँ पर वीव अकाउंट सेटलमेंट यहाँ पर देख पाएंगे, आपके अकाउंट किस अकाउंट में सेटलमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो है सभी यहाँ पर ग्रीन टिक होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर येलो टिक है तो उसको आपको सही करना होगा। तो किस तरह से सही करना है कमेंट करिएगा, मैं इससे रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा किस तरह से आप यहाँ पर सही कर पाएंगे। पेज को हम फिर और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट डिटेल, यानी कि जो है आपका कौन सा इंस्टॉलमेंट है। तो हमारा जो है इंस्टॉलमेंट 13वां है आपको देखने के मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो है 13वां इंस्टॉलमेंट हमारा जो है पेमेंट डन हो चुका है, और जो हमें नेक्स्ट इंस्टॉल मिलने वाला है ये हमें जो है यानी 14वां इंस्टॉलमेंट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर देख लेना अभी पीएम किसान सम्मान निधि की जो है यहाँ पर आपका यस होना चाहिए, FTO, तभी जो है आपका यहाँ पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका जो इंस्टॉलमेंट है जो देखने के लिए मिल जाएगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, और हम 14 नंबर पर हम क्लिक करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर वेट कर लेना है कि स्टेटस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आप एक एक करके स्टेटस आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो है इंस्टॉलमेंट आया है या नहीं। पेज को हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 जनवरी की जो है 14वां इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आया था, आप देख लेना इस तरह से कौन सा इंस्टॉलमेंट 14वां इंस्टॉलमेंट हमें मिल चुका है। तो 2 यानी फरवरी में 28 तारीख को आया था। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और 15वां इंस्टॉलमेंट पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो 15वां इंस्टॉलमेंट का आपको स्टेटस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर हमें वेट कर लेना है। तो वेट कर लेते हैं, पेज को फिर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15वां इंस्टॉलमेंट आप देख पाएंगे। यहाँ पर जो है एप्टो प्रोसेसिंग यहाँ पर अभी नो दिखा रहा है। अभी यहाँ पर जो है पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पर अभी जो है सिग्नेचर किया जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर द अप्रूवल बाई स्टेट, यानी जो है वहाँ से हमारा जो है अपनी जो है वहाँ से जो सिग्नेचर हो चुका है। स्टेट यानी जो आपका स्टेट है, स्टेट से आपको वेरिफिकेशन मिलना यहाँ पर पेंडिंग है। तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं दिखा रहा है, अगर आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है कि अगर आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका है वेटिंग फॉर यानी कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट में जाकर संपर्क करना होगा या अपने तहसील पे संपर्क करके इसको सही करा पाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो वीडियो है आपको जानकारी देने के लिए काफ़ी अच्छी रही होगी। तो मिलते हैं फिर और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।